कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में 23 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। दुकान नहीं खुलने से 1 रुपये की आमदनी नहीं हुई, जिसे देखते हुए झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी कस्बे में वक्फ बोर्ड कमेटी जिला उपाध्यक्ष सदरुद्दीन उर्फ बाबू लोहार ने अपनी दोनों दुकानों का 1 महीने का किराया और बिजली का बिल माफ़ कर दिया है। उदयपुरवाटी की पुरानी सब्जी मंडी में रहने वाले बाबू लोहार के घर के बाहर मुख्य रास्ते पर 2 दुकानें हैं। दोनों दुकानों को किराए पर दे रखी हैं। लॉकडाउन में दुकानें बंद रहने पर बाबू लोहार ने दुकानदारों की पीड़ा को समझते हुए अपनी दोनों दुकानों का 1 महीने का किराया 12,000 रुपये माफ़ कर दिए हैं। साथ ही बाबू लोहार ने दूसरे लोगों से भी अपील की है कि जो छोटे दुकानदार जो महीने भर मेहनत करके अपना काम चला रहे थे, लॉकडाउन में दुकान नहीं खुलने से उनके कोई आमदनी नहीं हुई, ऐसे में सक्षम लोगों को अपनी दुकानों का 1 महीने का किराया माफ़ करके लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। दुकानों का 1 महीने का किराया माफ़ करने पर लोगों ने बाबू लोहार के पहल की सराहना की है। मैं सदरुद्दीन उदयपुरवाटी उपाध्याय जिला वक्फ बोर्ड, मेरी 2 दुकानें हैं बाजार के अंदर, मैं जनहित को देखते हुए 2 दुकानों का किराया माफ़ किया है और अन्य दुकानदारों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो अपने जो किराएदार हैं उनको माफ़ करे किराया और इसमें सहयोग करे सरकार का और घर में रहे, सुरक्षित रहे।